Hello guys, welcome to the analysis video of Team Solvin, and this is the analysis video of tomorrow's A-League match between Newcastle Jets and West Ham United. तो इस मैच इन दोनों टीमों के मैचेस अगर आप खेले होंगे पहले तो आई होप आपको काफ़ी हद तक आइडिया हुआ होगा कि ये दोनों टीमें कैसी हैं। अगर आपको आइडिया नहीं भी है, मैं थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पर दे देता हूँ। ये मैच होने जा रहा है मैकडोनल्ड जोन स्टेडियम में। इस मैच का वैसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लीग टेबल की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन इस मैच से ना रखें तो ही बेहतर। न्यूकासल जेट्स आज के मैच में होम टीम, मतलब कल के मैच में होम टीम होने वाली है। न्यूकासल जेट्स है 9वें स्थान पर और वेस्टर्न यूनाइटेड है 7वें स्थान पर, लेकिन न्यूकासल जेट्स का कुछ बहुत ही बड़ा कुछ चेंजेस हो चुका है पिछले कई मैचेस में, मतलब 9-10 मैचेस की अगर हम बात करें तो। उससे पहले तक वो एक ऑर्डिनरी टीम ही थे ए लीग की तुलना में, लेकिन कोच उनका बदल गया था, सपोर्टिंग स्टाफ वगैरह चेंज हुए थे, उसके बाद से न्यूकासल जेट्स बिल्कुल अलग रंग पे हमें दिख रही हैं। अगर हम दोनों टीमों के बारे में थोड़ा आइडिया ले लें तो न्यूकासल जेट्स डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने टॉप के टीमों को ना सिर्फ रोका हुआ है बल्कि उनको हराया भी है, जिनमें से सिडनी एफसी, मेलबर्न सिटी, वेलिंगटन फिनिक्स जैसे टीमों के नाम हैं। इनको आप कुछ हद तक इंग्लिश लीग के जो शेफील्ड यूनाइटेड की टीम रही है पिछले सीजन में उससे आप कंपेयर कर सकते हो। गोल स्कोरर्स की कमी है, लेकिन इनके पास ये एबिलिटी है कि ये एक गोल करके उसको ही डिफेंड करें पूरे मैच तक। सेट पीस इनकी स्ट्रेंथ होती है, वहाँ से सब कुछ काम वगैरह होता है। इनके स्ट्राइकर्स ने गोल स्कोर करे हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि पिछले 9-10 मैचों में जब से कोच बदले हैं, जब से उनके अप्रोच बदले हैं, स्टाइल ऑफ प्ले बदले हैं, वहाँ पे ज़्यादा गोल स्कोरर्स की इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेस्टर्न यूनाइटेड बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, एक और चीज़ जो जेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये पोजेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। वेस्टर्न यूनाइटेड की बात करें तो ये डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलते हैं, डिफेंसिवली उतना अलर्ट नहीं रहते हैं, बहुत बुरा है ये ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन उतना सही भी नहीं है। गोल्स लगभग ये खा ही लेते हैं, लेकिन हाँ इनका अटैकिंग थर्ड बहुत ही ज़्यादा सही है जिसके ऊपर डिपेंड करके ही वो इतनी दूर तक आए हैं। विंग डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और इनको रोकना भी काफ़ी आसान है, क्योंकि अगर आप विंग को रोक लेते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द अटैकिंग मूव्स जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इनके अटैकिंग थर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर होते हैं जो अटैक वगैरह बनाते हैं वो है अलेजेंड्रो डियामंटी। गोल स्कोरिंग की एबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है, गोल्स भले ही उन्होंने करे हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन गोल्स बनाने के मामले में सबसे ऊपर इनका नाम आता है। तो हम देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें मिलता है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, न्यूकासल जेट्स ने अपने डिफेंसिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करके वेस्टर्न यूनाइटेड को रोक दिया था। आप देखेंगे वेस्टर्न यूनाइटेड का डिफेंस उतना सही था भी नहीं, लेकिन उनके अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर दिया था न्यूकासल, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, उस तरह से कुछ काम नहीं करने दिया था न्यूकासल के डिफेंस ने। न्यूकासल के अटैक की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं, उनके मिडफील्ड में भी उतना सा क्वालिटी नहीं था, लेकिन इनके तीनों जो सेंट्रल डिफेंडर्स थे उसके बाद दोनों विंग बैक्स जो काम आए थे और वेस्टर्न यूनाइटेड के विंग प्ले को बंद करने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, और इनके सेंट्रल मिडफील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है जिनका नाम है उगरकोविच, ये डिफेंसिव ड्यूटीज़ को संभालते हैं और पासिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है इनकी। और अटैकिंग थर्ड में ये रहते हैं पेत्रातोस, मेजोरिटी ऑफ द अटैकिंग मूव्स वगैरह सेट पीस वगैरह ये लेते रहते हैं। जो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों विंग बैक्स को यहाँ पर बंद कर दिया था और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम जहाँ पर विंग प्ले की बात आती है। तो आप देख सकते हैं कि जेट्स के पास पोजीशन था, जैसे ही पोजीशन आ गया उगरकोविच, टी स्टैनली, कुतुरुम्बी, ये दोनों आखिर के दोनों डिफेंस के प्लेयर हैं और उगरकोविच मिडफील्ड से। सेट पीस में पेत्रा, तो उसके नाम आपको हर मैच में लगभग दिख जाएंगे, साथ में मिलर। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो मैंने जैसे बताया कि टॉप के टीमों को न्यूकासल जेट्स ने हरा के आए हैं, वो तो सिडनी एफसी को उन्होंने हराया था, जो आपको चीज़ दिख जाएगा। सिडनी एफसी का भी उतना अच्छा, मतलब खराब परफॉर्मेंस था नहीं, लेकिन डिफेंस में एक गलती उनका हुआ था जिसका फायदा न्यूकासल जेट्स ने उठाया था एक या दो गोल करके। मिडफील्ड में भी इनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस था, लेकिन अटैक को फिर से यहाँ पर बॉटल कर दिया था जहाँ पर लेफॉन्स, बर्बरूसिस जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं। फिर से आपको जो चीज़ दिख जाएगा, न्यूकासल जेट्स का अटैक कुछ भी खास नहीं, ठीक है, लेकिन एक गोल सेट पीस से किया और दूसरा गोल भी सेट पीस से ही हुआ था जो कि पेत्रा था उसने बेंच से आके किया था। बाकी डिफेंस रॉक स्ट्रॉन्ग। इनके जो दोनों विंग बैक्स हैं ये ओपोनेंट के विंगरों को रोकने के लिए काफ़ी काम पे आते हैं। एक गोल जो उन्होंने कंसीड किया था वो भी इनके गोलकीपर के एरर की वजह से, नहीं तो पूरा क्लीन शीट ही वो रख पाते। फिर से जेट्स के पास पोजीशन, दोनों गोल सेट पीस से किया, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। फिर से पासिंग के मामले में उगरकोविच, कुतुरुम्बी, बोगर्ट और स्टैनली का नाम दिख जाएगा। फिर से दोनों जो क्रॉसर रहे थे मिलर, फिट्ज़गेराल्ड यहाँ पर सेट पीस दे रहे थे पहले हाफ में क्योंकि पेत्रातोस नहीं खेल रहे थे।
अभी ये तो आप उनकी जीत देख लें, हार भी आप देख लीजिए, गोल स्कोरर्स की कमी कभी कभार उनके लिए खल जाती है। डिफेंसिव ड्यूटीज पिछले कुछ मैचों में कोच बदलने के बाद कभी भी गलत नहीं हुआ है उनके लिए। अभी अगर देख लीजिए, अगर रेड कार्ड होता है या कोई बड़ी बड़ी गलतियां वो करते हैं तब अलग बात है, लेकिन नॉर्मल फ्लो में उनका डिफेंस कमाल का चल रहा है उनके अगेंस्ट में। हाल ही में मैंने एक से ज्यादा गोल होते हुए नहीं देखा है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक गोल कर दिया था ब्रिस्बेन रोड ने, लेकिन अटैकिंग थर्ड में मतलब मिस फायर की वजह से वो उस गोल को वापस नहीं कर पाए थे। डिफेंस यहाँ पर भी फर्स्ट क्लास था, सब कुछ सही था, फिर से ओगर को भी इसका कमाल का परफॉर्मेंस, लेकिन अटैक उतना सही नहीं था जिसकी वजह से एक गोल वापस नहीं हुआ। ओनली गोल सेट पीस से किया था ब्रिस्बेन ने, मतलब उनको भी गोल करने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा था, जो कि मैकडोनल्ड ने गोल किया था। फिर से आपको दिख जाएगा जेट्स के पास पोजीशन है, आप बड़े बड़े पासर जैसे मैंने आपको बताया स्टैनली बुगार्ड कुतरुम्बी, तीनों ही सेंट्रल डिफेंडर्स ने कमाल के पासिंग यहाँ पर दिखाए थे, और यही एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है न्यूकासल जेट्स के लिए, जिसकी वजह से आप इनके डिफेंडर्स को आराम से ले सकते हैं। भले ही ये मतलब क्लीन शीट रख पाए या नहीं रख पाए, अगर कोई टीम के डिफेंडर्स 90 से 100 पासेस खेल रहे हैं तो आराम से 4.5 से 5 पॉइंट तो वो आपको पासिंग के ही दे गए। उसके बाद फिर से मिलर और पेत्रातोस के क्रॉसेस, तो ये है न्यूकासल जेट्स। कोच चेंज होने के बाद इनका अप्रोच चेंज हुआ है, डिफेंसिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नजर आते हैं ये। गोल स्कोरर्स बहुत ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात इससे नहीं हो रही है, क्योंकि हाल ही में ही वो एक दो गोल करके उनको भी डिफेंड करके जीत रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो डिफेंसिव स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, इसके वजह से उनको कुछ मैचों में जो कि मतलब अमाउंट में काफी कम है, ऐसे मैचेस में उनको हारना भी पड़ा है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी पोजेशन ये बहुत ज्यादा रखते हैं और उनके डिफेंसिव थर्ड में बहुत ही बड़े बड़े पासर्स हैं। अभी हम वेस्टर्न यूनाइटेड की बात करेंगे। वेस्टर्न यूनाइटेड जैसे मैंने बताया एग्रेसिव टीम है और पूरी तरह से अटैक के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर एडिलेड को उन्होंने 5-1 से हरा दिया था। एडिलेड का डिफेंस तो खराब रहता ही है, अगर आपने इनके आखिरी मैचेस खेले होंगे तो पता होगा उनके तरफ से एक गोल यहाँ पर मकरी ने किया था। लेकिन वेस्टर्न यूनाइटेड का देखिए डिफेंस जैसा भी हो, लेकिन अटैकिंग थर्ड की यहाँ परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ पर बर्जेस बेशक बड़ीसा जो इनके मेन अटैकर्स होते हैं गोल स्कोरर्स के मामले में, और डीएमटी का यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा, उससे बड़ी बात है इन दोनों विंगर्स विंग बैक्स का जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हो। ठीक है, जहाँ से एक गोल कॉनर पेन ने किया था, और रिजडन जो यहाँ पर खेल रहे हैं, दोनों ही कमाल का कंट्रीब्यूट वगैरह करते हैं गोल या असिस्ट के मामले में, हमेशा ही इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। जहाँ पर भी आपको दिख जाएगा वेस्टर्न यूनाइटेड 2 गोल या उससे ज्यादा कर रही है, एक ना एक विंगर का कुछ ना कुछ तो रहता ही है कंट्रीब्यूशन। रिजडन के यहाँ पर 2 असिस्ट थे, तो यहाँ से आपको वही दिख जाएगा डिफेंस उतना सही नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। पोजेशन नहीं रखा, यहाँ पर दोनों विंग बैक्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा, यहाँ पर रेजिडेंट के 3 असिस्ट थे, पेन ने एक गोल भी करा। सीसीएम के अगेंस्ट में भी 6-2 से करा, सीसीएम भी आखिरी पायदान की टीम है, उन्होंने भी यहाँ पर डिफेंस में गलतियां निकाल दिया था। आप देख सकते हैं उनके जो अटैकर से उन्होंने गोल वगैरह करे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई डिफेंस में प्रॉब्लम से, लेकिन फिर भी अटैकिंग थर्ड के आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। डियामंटी यहाँ पर भले ही गोल ना कर पाए, यहाँ ने बताया कि रेगुलर गोल स्कोरर तो वह नहीं है, लेकिन असिस्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 2 असिस्ट उन्होंने निकाले थे। बाकी रिजडन और पेन दोनों विंग बैक्स, इनके भी कमाल का परफॉर्मेंस है। तो ये जो 5 प्लेयर्स है ना, मतलब ये 3 अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स और ये 2 विंग बैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कुछ भी आपको चाहिए गोल्स के मामले में। हालांकि न्यूकासल जेट्स तो डिफेंसिवली काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, और आखिरी हेड टू हेड मैच भी आपने देखा था कि 0-0 का स्कोर लाइन रहा था, सेट पीस से गोल हुआ, विंग बैक्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा, डिफेंस यहाँ पर खराब था एज यूजुअल, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं थी। स्कोटाडिस इनके मिडफील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ज्यादा ये गोल्स के आसपास नहीं जाते हैं, लेकिन असिस्ट पोटेंशियल अच्छी खासी रख लेते हैं, और एक कंसिस्टेंट पासर ऑफ द बॉल है, जो कि आपको कंसिस्टेंटली 50 या आसपास पासेस करके देते हैं। वैसे भी वेस्टर्न की टीम ज्यादा पोजीशन तो रखती नहीं है, तो उनके टीम प्लेयर्स से आप ज्यादा पासिंग की उम्मीद रख नहीं सकते हैं। तो यह है वेस्टर्न यूनाइटेड की टीम, ज्यादा पोजीशन रखती नहीं है, अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलते हैं, लेकिन इनके अटैक को रोकना भी काफी आसान होता है, जो आपने देख ही दिया हेड टू हेड मैच से। अगर आप इनके विंग को रोक लेते हैं तो ये बॉटल्ड हो जाते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद सारी जनता जो कर रही है, वो भी मैं ही कहूंगा कि न्यूकासल जेट्स ही आपके लिए इस मैच में फेवरेट होनी चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि उनका भी गोल स्कोरर का एक कमी चलता है, तो 0-0 या फिर 1-0 किसी भी टीम के तरफ से इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हैं। लेकिन जो भी हो, मेरा प्रेडिक्शन इस मैच में काफी कम गोलों का है। न्यूकासल जेट्स को मैं थोड़ा सा आगे रखना पसंद करूंगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने हेड टू हेड में मतलब ब्लॉक करके रखा हुआ था वेस्टर्न यूनाइटेड को, और अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने बड़े बड़े टीमों को ना सिर्फ रोका हुआ है बल्कि हराया भी हुआ है। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न यूनाइटेड काफी स्ट्रॉन्ग टीम है अटैकिंग वाइज, तो मैं समझता हूँ कि कम से कम एक गोल तो वो करेंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन 1-1 या 2-1 या फिर 1-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन है, जिसके बेसिस में आगे मैं टीम फॉर्मेशन करूंगा, जो मैं आपको दिखा भी दूंगा।
सेटपीस टेकर्स की बात करें, वेस्टर्न यूनाइटेड के होकर पेनल्टी में डियामंटी और बेडिशा आते हैं, फ्री किक में डियामंटी के साथ स्कोटरडिस, न्यूकासल जर्सी होकर पेनल्टी लेते हैं ओडोनोवान और पेत्रा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, पासिंग एबिलिटी भी इनकी काफी अच्छी है, एक बोनस के तौर पर जो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, गोल्स वगैरह ये आप देख सकते हैं। ओडोनोवान सीजन के पहले हाफ में, मतलब जब तक कोच बदले नहीं थे, बहुत सारे गोल्स उन्होंने करे थे, लेकिन उसके बाद से उनका उतना ज्यादा रोल नहीं आता है। बाकी ये कुछ है, तो अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप दी फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीम इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं, जहां पर रिजडन और पेन विंग बैक्स होंगे, डियामंटी बेरिसा बर्जेस इनके मेन अटैकर्स होंगे, स्कोटाडिस जिनके ऊपर सारे जो मिडफील्ड के रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं वो इनके ऊपर रहेंगे। जेट्स की तरफ से बात करी जाए तो ये तीनों डिफेंडर तो ऑलरेडी आपके टीम में बिल्कुल होने चाहिए, कुछ नहीं तो आप पकड़ के चलो कि 4 से 5 या उससे भी ज़्यादा पॉइंट आपको पासिंग के दे सकते हैं। मिलर इनके लिए मेन जो विंग से या फिर सेट पीस से कंट्रीब्यूट वगैरह करने आते हैं, तो वहाँ पे मिलर का नाम आता है, ये काफ़ी अग्रेसिव फुटबॉलर हैं और आजकल के मैच में तो वैसे भी इनकी डिफेंसिव ड्यूटीज भी काफ़ी आएंगी। मिडफील्ड में बात करी जाए, उगर को भी कंसिस्टेंट आपको पासिंग के पॉइंट देते रहेंगे, उसके बाद पेत्रातोस, भले ही आप इनके स्ट्राइकर्स को रखो या ना रखो, आप इन प्लेयर्स को तो जरूर रखना है, स्ट्राइकर्स को भी आप रख सकते हो, स्पेशली ओडोनोवान को, क्योंकि इनके पास गोल स्कोरिंग एबिलिटी है, लेकिन क्योंकि न्यूकासल जो ज़्यादा अटैकिंग अप्रोच से जाती नहीं है तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। लेकिन हाँ, वेस्टर्न यूनाइटेड के डिफेंस में भी गलतियाँ वगैरह होती रहती हैं, तो वहाँ से अगर इनको एक आध मौके मिल जाए तो भी चौंकने वाली बात नहीं होगी। तो सब कुछ ध्यान में रख के किस तरह से आप एक सेफ कॉम्बिनेशन बना सकते हो वो अभी एक बार देख लेते हैं। इससे पहले मैं ड्रीम इलेवन की टीम दिखाऊँ, जो काम आपको करना पड़ेगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, काफ़ी मेहनत लग रही है आप समझ ही सकते हो, एक लाइक ही वो जरिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। इससे सीधा भी एक और काम को करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ फुटबॉल का बल्कि जितने भी गेम्स लिस्टेड होते हैं ड्रीम इलेवन पर, उनके सारे मैचेस के सब स्पोर्ट्स के सब मैचेस के स्मॉल लीग की टीम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट होती रहती है, विद कैप्टन वाइस कैप्टन और सब कुछ फ्री में। तो अगर आपको इस मैच का भी फुल स्मॉल लीग का टीम चाहिए लाइनअप अनाउंस होने के बाद, तो उसका एक ही जरिया है, वो है टेलीग्राम। यहाँ पर मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए आपको एक टीम दिखाऊंगा, लाइनअप बनने के बाद अगर कोई चेंज वगैरह होते हैं तो उसके बाद फाइनल चेंज करके वहीं पर एक स्मॉल लीग की टीम पोस्ट करी जाती है। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम, तो आप उस लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सिवा भी अगर आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करोगे टीम्स फॉर विन लिख के, तो भी आपको लगभग 75K के ऊपर सब्सक्राइबर वाला चैनल दिख जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे कुछ रिस्क नहीं लोगे ना, तो दिक्कत होगा आपको क्रेडिट मैनेज करने में। तो मैंने यहाँ पे कुछ रिस्क लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत और रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गोलकीपर है ये हो सकता है कल के मैच में ना खेले। आप कहाँ पे रिस्क ले सकते हो मालूम है? आप ले सकते हो मिलर पे। क्यों मिलर पे रिस्क ले सकते हो? क्योंकि कल के मैच में जेट्स की टीम एक ऐसी टीम के अगेंस्ट में उतरने वाली है जो कि करती है विंग डिपेंडेंट गेम। अभी विंग डिपेंडेंट गेम के अगेंस्ट में इनके जो विंग बैक है कितना ज़्यादा अटैक पे कंट्रीब्यूट रख पाएंगे या नहीं, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको ड्रॉप कर लीजिए, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे बाकी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को मैनेज करना है, क्रेडिट को भी मैनेज करना है, इसीलिए मैं इनको कह रहा हूँ कि अगर आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप इनको ड्रॉप करते हो तो यहाँ पर आप एक प्लेइंग गोलकीपर को ले सकते हो, समझ लीजिए किसी भी गोलकीपर को आप ले लो, उसके बाद भी आपके पास 9 क्रेडिट बच जाएंगे, ठीक है, जिससे आप किसी और प्लेयर को ले सकते हो, या फिर यहाँ पर आप रिजडन को ले सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो। इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हाई होगा, ठीक है। कोशिश यही करना है कि न्यूकासल जिट्स की तरफ से ज़्यादा डिफेंसिव ऑप्शन को ली जाए, तो आप यहाँ पर न्यूकासल जिट्स के गोलकीपर को ले लो, तो आपके पास 4 डिफेंसिव ऑप्शन ऑलरेडी हो गएंगे। यहाँ पर मैंने पेत्रातोस और उगर को भी इसको लिया है, क्योंकि इन दोनों को मैं मिस नहीं करना चाहूँगा। डोनोवन को आप ले सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन मुझे उनका ज़्यादा रोल नज़र नहीं आ रहा है, हालांकि क्योंकि डिफेंसिवली काफ़ी वीक टीम है वेस्ट यूनाइटेड, तो उनका भी रोल तो बनना चाहिए, बाकी ये आपके ऊपर है। मेरे लिए बेस्ट कैप्टन चॉइस इस मैच में हो सकते हैं पेत्रातोस, लेकिन कौन गोल करेगा न्यूकासल जेट्स के होकर ये पता पाना मुश्किल है, क्योंकि ये गोल्स काफ़ी कम करते हैं, करेंगे भी या नहीं यहाँ पर भी डाउट है, लेकिन अगर करते भी हैं तो काफ़ी कम करते हैं। सेट पीस लेते हैं पेत्रातोस और कॉन्सिस्टेंट पासिंग असिस्ट पोटेंशियल रखते हैं, इसीलिए मैं इनका नाम कह रहा हूँ। अगर आपको सेफ गोल स्कोरर चाहिए तो ये आपके लिए सेफ गोल स्कोरर हैं, जो कि गोल वगैरह करते रहते हैं, लेकिन कल के मैच में करेंगे या नहीं इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। कैप्टन अगर आप पेत्रातोस को बना रहे हो तो वाइस कैप्टन आप डियामंटी या पेरिशा में से किसी एक को बना सकते हो। अगर आप बहुत रिस्क लेना चाहते हो डिफेंडर्स को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, तो कल के मैच में
स्पेशली न्यूकासल जेट्स की तरफ से बहुत ही ज्यादा चांस है क्लीनशीट आने का। अगर क्लीनशीट नहीं भी आते हैं तो पासिंग के तो ये आपको 5 से 4.5 से 5 पॉइंट दे रहे हैं, उसके बाद स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स, अटैकिंग टैकल्स वगैरह के 1-1 पॉइंट अगर निकाल दें तो 7 से 8 पॉइंट आपको वैसे भी मिल जाएंगे। तो ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए अनलेस की कोई सेफेस्ट प्लेयर जो जिनको लोग सारी जनता कैप्टन बना रही है वो कुछ कर दे। तो यही कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। बाकी स्मॉल लीग का फुल टीम पाने के लिए लाइनअप आने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना ही पड़ेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।